ये है iPhone 16 Pro Max जिसे यूज करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और बहुत सारी बुरी चीजें भी हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको iPhone 16 Pro Max लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले डिजाइन, जो पिछले 6 साल से बिल्कुल सेम ही है, iPhone 12 Pro से लेकर 16 Pro Max तक सब सेम दिखते हैं। बस कैमरा आइलैंड थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है एंड हर साल एक न्यू कलर आता है जो लोगों को ऐसे लाइन में लगवा देता है। बट इस बार डिस्प्ले 6.9 इंच की है जो हाथ में बहुत ज्यादा बड़ा फील करवाती है। तो डिस्प्ले की बात छिड़ी है तो चलो इसी की बात करते हैं। इसमें 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है और ये तो आपको पता ही है कि एप्पल ने बेजल्स कम किए, बट रियल लाइफ में ये कमाल का एक्सपीरियंस है। पहले की तरह धूप में ब्राइटनेस जल्दी ड्रॉप नहीं होती और कंटेंट देखने में तो मजा ही आ जाता है। कंटेंट से आ रहा है इसके स्पीकर, आप खुद ही सुन लो। मतलब क्या क्लैरिटी है, बेस है, सुन के मजा ही आ गया। एक और मजे की चीज है, नीचे सब्सक्राइब बटन वो दबा दो जिससे हम दोनों को मजा आ जाए। एक और मजे की चीज है वो है इसका पावरफुल प्रोसेसर। A18 प्रो चिप है जो 3 नैनोमीटर पर बेस्ड है एंड BGMI इसमें HDR 60fps पर खेल सकते हो। मैंने 20 दिन रोज गेम खेली है बट मुझे बिल्कुल भी लैग नहीं मिला, एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ था। बट आई विश 90 या 120 fps का ऑप्शन मिलता। मैंने कार एक्स स्ट्रीट गेम भी खेली जो की एक AAA टाइटल है एंड इसका भी एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ था। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका हीटिंग इशू। मतलब मैं 15 मिनट भी अगर AAA गेम खेलू ना, ये इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि मैं एक ऑमलेट भी बना सकता हूँ। एप्पल ने इसमें बड़े साइज का कूलिंग सिस्टम लगाया बट मुझे नहीं लग रहा वो काम भी कर रहा है या नहीं। एक और इसमें बहुत बड़ी यूजलेस चीज है वो है कैमरा बटन या फिर कैमरा कंट्रोल जो भी। आप यकीन नहीं करोगे, पिछले 20 दिन में मैंने ऑलमोस्ट 200 फोटोज लिए बट कैमरा बटन मैंने सिर्फ 8-10 बार ही यूज किया है क्योंकि इसका पोजीशन ही सही नहीं है। हॉरिजॉन्टल में बहुत आगे की साइड फील होता है, वहीं वर्टिकल में बहुत नीचे की साइड फील होता है और जैसे ही बटन प्रेस करोगे फोन शेक हो ही जाता है। और ये टाइम टेकिंग भी है। फॉर एग्जांपल मैंने कैमरा ओपन किया है, अब मेरे को एक्सपोजर डाउन करना है तो पहले मुझे इस पे डबल प्रेस करना होगा, फिर एक्सपोजर ऑप्शन पे जाके हाफ प्रेस करना होगा, देन स्वाइप करके एक्सपोजर डाउन होगा, देन फोटो क्लिक होगी। मतलब हद ही होगी, सीधा सब्जेक्ट पर टैप करो, स्वाइप डाउन करो, टैप करो, फोटो क्लिक हो जाएगी। इतना झमेला क्यों करना है? लास्ट ईयर भी यही होता है, इन्होंने एक्शन बटन तो दे दिया लेकिन मैं क्या, ऑलमोस्ट सभी लोग सिर्फ इसे वाइब्रेट करने के लिए ही यूज करते थे। पिछले 2 साल से एप्पल इनोवेशन के नाम पे बस बटन ऐड किए जा रहा है। ये तो होगी बुरी बातें, अब करते कुछ अच्छे फीचर्स की बातें। इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, अल्ट्रा वाइड 12 से बढ़ाकर अब 48 कर दिया है और 12 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा है एंड नो डाउट फोटोज कमाल के कैप्चर होते हैं। स्किन काफी नेचुरल दिखती है, डायनामिक रेंज पहले से इंप्रूव हो गई है तो स्काई अच्छे से दिखता है, शार्पनेस ऑन पॉइंट है, बिल्कुल भी ओवर शार्पनिंग फील नहीं होती और इस बार इन्होंने जो न्यू फोटोग्राफिक स्टाइल दी है वो काफी सही है। बट मैंने इसे कैप्चर के टाइम पे यूज नहीं करता, जो मेरे को फोटो अच्छी लगती है एडिट में जाके स्टाइल चेंज कर लेता हूं। वीडियो में इस बार 4K 120fps का ऑप्शन आ गया है जिससे आप 4K फुटेज को स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो एंड वीडियो क्वालिटी तो बेस्ट है किसी भी एंड्रॉइड फोन के कंपैरिजन में। बैटरी की बात करूं तो मजा ही आ गया, ये हैवी यूसेज पर आराम से मेरा फुल डे निकाल देती है और चार्जिंग स्पीड भी पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गई है। अब कितनी हुई है वो मेरे को आइडिया नहीं है। अब बात करते हैं AI यानी एप्पल इंटेलिजेंस की, जो कि इसमें है ही नहीं। इवेंट में एप्पल सर चढ़कर Apple Intelligence बोले जा रहा था जो कि इसमें आया ही नहीं है और इंडिया में ये कब आएगा उसका कोई भी आइडिया नहीं है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर कि आपको ये iPhone 16 Pro Max लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो अगर आप iPhone 15 Pro एंड Pro Max यूजर हो तो बिल्कुल दूर हो जाओ, इसमें कुछ ऐसा मेजर अपग्रेड नहीं आया। और AI की बात करूं तो 15 Pro सीरीज में भी AI आएगा, सो डोंट वरी। और अगर आप ओल्ड iPhone या Android यूजर हो तो ये ऑलमोस्ट परफेक्ट फोन है अगर ये 2-3 गेम एक्स हटा दो। बट लेने से पहले स्टोर में जाके स्क्रीन साइज जरूर चेक कर देना कि आपको प्रो लेना चाहिए या प्रो मैक्स। दैट्स इट, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना एंड बहुत मेहनत लगी तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।